हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी की, जो है यहाँ पर मार्केट में क्वार्टरली 3 रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट्स के आने के बाद यहाँ पर हमें इस गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर के अंदर क्या प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी यहाँ पर जो कंपनी रिजल्ट्स आए हैं अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हमें क्या पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो कंपनी के क्वार्टरली 3 अपडेट्स आए थे मार्केट में, तभी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम जो है यहाँ पर है बनते हुए देखने को मिला था। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी जो क्वार्टरली बेसिस पर जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो यहाँ पर 117% यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं 278 करोड़ रुपीज़। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो कंपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी नहीं बढ़ी है कंपेयर टू द कंपनी जो रेवेन्यू, जिस अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। जो नेट प्रॉफिट से यहां पर हमने आपको जिस तरह से बताया कि इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, दैट इज नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली बेसिस पर यहां पर हमें 7% जो है बढ़ते हुए देखने को मिला, दैट इज 38 करोड़ रुपीस। तो यहां पर जो कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट है वो काफी अच्छे और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहां पर मार्केट में मेरे हिसाब से जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आपको जरूर बनते हुए देखने को मिलना चाहिए। अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग भी अगर यहां पर हमें देखने को मिलती है, मेरे से 5 या फिर 4% करेक्शन यहां पर हमें स्लोली एंड स्टेडली देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू ऑन द वाई बेसिस पर यहाँ पर कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस दिया हुआ है। दैट इज कंपनी के यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो YOY बेसिस पर 63% यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं 278 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज जो कंपनी के नेट प्रॉफिट से YOY बेसिस पर वो यहाँ पर 171% बढ़कर हो चुके हैं 38 करोड़ रुपीज़। सो ओवरऑल बेसिस पर देखते हैं तो कंपनी जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। करंटली 1780 पे जो शेयर है, पहले से जो है नियरली 2580 का ये जो है इसने हाई बनाया था, उसके बाद काफ़ी करेक्शन जो इस शेयर में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से जो है अगर आपको रियल्टी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो फॉर अ मोमेंटम पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा स्टॉक और एक अच्छा सा पिक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज यहाँ पर कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।